स्वागत है आपका यूकेस पेट चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है दो मित्र और भालू। एक गांव में राजू और श्याम नाम के दो गहरे मित्र रहते थे। दोनों की दोस्ती की मिसालें सारे गांव वाले दिया करते थे। एक समय की बात है कि राजू और श्याम दोनों कहीं से मिला देखकर जंगल के रास्ते से गांव की ओर जा रहे थे। अब चूंकि शाम हो गई थी, जंगल गहरा गया था। श्याम ने बोला कि राजू भाई, इस जंगल में तो मुझे डर लग रहा है, अब तो शाम भी हो गई है। राजू ने कहा, श्याम तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पक्का दोस्त हूं, तुम पे हर मुसीबत का सामना मैं करूंगा। तुम पे यदि कोई संकट आएगा मैं सबसे पहले खड़े रहूंगा। अब राजू और श्याम दोनों जा रहे थे जंगल से कि अचानक दूर से एक भालू आता हुआ दिखाई दिया राजू को। राजू ने देखा एक भालू आ रहा है। अब राजू बहुत होशियार था, वो तुरंत दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। अब श्याम देखा कि रे, राजू तो कहीं दिख ही नहीं रहा है और वो भालू बहुत करीब आ गया। श्याम डर गया, बोला मैं क्या करूं। श्याम को कुछ समझ में नहीं आया, भालू तो बहुत करीब आ गया था। तो जब श्याम को कुछ समझ में नहीं आया तो वही जमीन पर लेट गया और अपनी सांसें बंद कर ली। भालू बहुत पास में आया और श्याम के आसपास घूमा और श्याम को सूंघ कर वापस चला गया। तब श्याम को जान में जान आई भालू के जाने के बाद। श्याम उठा, राजू ये सब दूर से बैठ के सब देख रहा था। राजू भी तुरंत पेड़ से उतरा और श्याम के पास आकर बोला, अरे भाई अचानक भालू कहाँ से आ गया भाई। राजू ने बोला, भाई श्याम भालू ने तुम्हारे कान में क्या बोला। तो श्याम ने कहा, भाई राजू मैं तो सोचा था कि तुम मेरा मुसीबत में साथ दोगे और तुम तो तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गए और तुम्हें पता था कि मुझे चढ़ना नहीं आता है। श्याम ने कहा, राजू मेरे दोस्त भालू ने मेरे कान में कहा कि जो भी दोस्त मुसीबत के समय तुम्हारा साथ ना दे तो उसका साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। वो दोस्ती किसी काम की नहीं जो संकट के समय तुम्हारा साथ ना खड़ा हो। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, किसी भी सच्चे दोस्त की परीक्षा जब होती है, जब हम पर मुसीबत आए। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब खुश करिएगा। धन्यवाद।